एक गांव के पास खंडहर में एक शैतान रहता था। वह हर रोज रात होने पर पास के गांव में जाता था और गांव की गलियों में घूमा करता था। लोग अपने अपने घरों में छिप जाते थे और उसकी डरावनी आवाजें सुनकर सहम जाते थे। रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता था। वह शैतान बहुत नासमझ था। गांव के लोग अपने अपने घर के दरवाजों पर शैतान कल आना लिख लेते थे। वह शैतान उसे पढ़ता और आगे बढ़ जाता। वहीं उस गांव में एक घमंडी सेठ रहता था। वह किसी से नहीं डरता था। अजी, हम अभी इस गांव में नए नए आए हैं, हमें गांव वालों की बात माननी चाहिए और दरवाजे पर शैतान कल आना लिखना चाहिए। रात भी हो गई है, कहीं वह शैतान यहाँ ना आ जाए। मैं किसी से नहीं डरता, मैं ऐसे किसी अंधविश्वास पे यकीन नहीं करता। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। इतना बोलकर वह सेठ अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी वह शैतान हैरान परेशान हो जाता है। गांव वालों ने तो हद्दी कर दी, उसे रोज कल बुला लेते और फिर बोलते हैं कि कल आना, ऐसे कैसे चलेगा। मैं आखिर रोज रोज कब तक अपने शिकार के लिए यूं ही भटकता रहूंगा। फिर थोड़ी दूर चलने पर वह शैतान उस सेठ के घर के पास पहुंचता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा। किसी का दरवाजा खटखटाता हूँ, लगता है आज मेरी भूख मिट जाएगी। शैतान जोर जोर से सेठ का दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात को कौन आ गया, अजी आप जाइए ना दरवाजा खोलने के लिए। अरे नहीं नहीं, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही खोल दो ना। तुम डरो नहीं, ये जरूर हमारी दुकान पर काम करने वाला नौकर रामू होगा, उधार पैसे मांगने आया होगा। तुम जाओ दरवाजा खोलो। फिर उसकी पत्नी डरते डरते जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे वही शैतान दिखाई देता है। वह बहुत डर जाती है, फिर भागती हुई वापस अपने कमरे में जाती है। अजी हम तो बहुत बुरे फंस गए, वह शैतान तो हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, अब क्या करें। मैंने आपको कहा था ना हमें गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन आप तो बोलते थे मैं किसी से नहीं डरता, तो आप क्यों भीगी बिल्ली बन रहे हो। मूर्ख औरत धीरे नहीं बोल सकती क्या? अगर इतनी तेज तेज चिल्लाएगी तो जो बाहर तुम्हारे मायके से आया है ना, वो हमें कच्चा ही खा जाएगा। अब क्या करें, कहां छुपें? वह शैतान उन दोनों की आवाज सुन लेता है और तेज तेज दरवाजे को पीटने लगता है। ए, खोल दरवाजा, मुझे पता है तुम अंदर ही हो, तुम गांव वालों ने मुझे बहुत मूर्ख बना लिया, बस अब और नहीं। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज तो मैं अपना शिकार अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। हाँ, अभी के अभी दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। ससुर जी, घर में कोई नहीं है, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तेरा नास मिटे, तुझे क्या हर जगह मेरे पिताजी ही दिखाई देते हैं। मैं अभी दरवाजा खोलने जा रही हूँ। अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ससुर जी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अजी मैं तो आपको माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शैतान आज हमें माफ करने वाला है। तभी वह शैतान दरवाजा खोल देता है। और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे भागो रे, आज तो ये शैतान हमें जिंदा ही खा जाएगा। अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ। वह सेठ और उसकी पत्नी वहाँ से भागने लगते हैं। उनके घर में छोटा सा कुत्ते का बच्चा होता है। इतना शोर शराबा सुनकर वह भी बाहर आ जाता है और उस शैतान को देखकर भौंकने लगता है। तभी सेठ और उसकी पत्नी पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गए। मोती, मैंने उसकी आवाज सुनी थी, वो शायद उसी शैतान के ऊपर भौंक रहा था, वो अभी भी घर के अंदर ही है। मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ते को बचाने के लिए घर के अंदर जाऊंगा? नहीं नहीं, मूर्ख मत बनो और जल्दी चलो यहाँ से, वो शैतान कभी भी यहाँ आ सकता है। आपको जाना है तो जाइए, मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या, वापस आ जाओ, बेवकूफी मत करो। लेकिन उसकी पत्नी अपने पति की बात को अनसुना कर देती है और घर के अंदर घुस जाती है। मोती उस शैतान को भौंक रहा होता है। नहीं नहीं मोती, पीछे आ जाओ, हमें अभी यहाँ से निकलना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। तभी मोती उस शैतान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नहीं मोती, ऐसा मत करो, वापस आ जाओ मोती। फिर उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी भी शैतान की तरफ दौड़ पड़ती है और अपने कुत्ते को बचाने के चक्कर में उस शैतान के चंगुल में फंस जाती है।
बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। मोती तुम भागो यहाँ से, भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, अपनी जान बचाओ। फिर वह शैतान उसे उठाकर अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे सुन सकता है, कोई तो मुझे बचाओ। सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से इस मंजर को देखते रहते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। सब डर के मारे अपने अपने घर के अंदर छिपे रहते हैं, लेकिन उसका कुत्ता मोती रात भर उस शैतान का पीछा करता रहता है। फिर थोड़ी देर में वह शैतान अपनी गुफा में पहुंच जाता है और सुषमा को कैद कर देता है। ए, चिल्ला मत, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले, मैं आग जला लूं, फिर तुझे उस आग में पका कर खाऊंगा। तभी उसका कुत्ता मोती भी उस शैतान का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। अरे मोती, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन मोती वहीं बैठ जाता है और उसके लाग बोलने के बाद भी वहाँ से नहीं जाता। मोती, काश इंसान भी तेरी तरह वफादार होता तो कोई ना कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए जरूर आ जाता। अरे कोई मेरी मदद करो, हाय मेरी पत्नी को वह शैतान उठाकर ले गया, कोई मेरी मदद करो। तुम्हारी कोई क्या मदद करेगा भाई, जब तुमने खुद अपनी पत्नी की मदद नहीं करी। काश तुमने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की होती तो तुम्हारी हिम्मत देखकर हम भी तुम्हारी मदद करने आते। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, कृपा करके मेरी मदद करो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ना जाने वो शैतान तुम्हारी पत्नी को कहाँ लेकर गया होगा। भाई वो इसी जंगल की तरफ गया है, चलो हम सब उसका पीछा करते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या भाई, तुम्हें पता भी है ये जंगल कितना बड़ा है, हैं? हम कहीं भी इतने बड़े जंगल में तुम्हारी पत्नी को नहीं ढूंढ पाएंगे, और हो सकता है हम खुद भी भटक जाएं। नहीं नहीं भाई नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलती मुझसे हुई है तो मैं ही इसको सुधारूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मत चलो, मैं अकेला ही अपनी पत्नी को उस शैतान से छुड़वाने जाऊंगा। इतना बोलकर वह सेठ जंगल की ओर चल देता है। मोती तू यहाँ से चला जा, तू मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा, ये शैतान आता ही होगा, अगर गांव वाले यहाँ होते तो जरूर मेरी जान बच सकती थी। फिर मोती सुषमा की तरफ देखता है और पलट कर वहाँ से भाग जाता है। सुषमा भी मोती को भागता देख खुश हो जाती है। भाग जा मोती, जल्दी भाग जा, तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। शुक्र है भगवान का, अब कम से कम मेरा मोती तो सुरक्षित है। मोती सीधा भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। अरे ये तो मोती की आवाज है, लगता है मोती आसपास ही है। मोती कहाँ हो तुम, मोती 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 तुम कहाँ चले गए थे। तभी मोती सेठ की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। लगता है ये मुझे कुछ बताना चाहता है। तभी मोती सेठ की लुंगी को खींचने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है मोती, लगता है ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है, कहीं ये मुझे सुषमा के पास तो नहीं ले जाना चाह रहा। मोती क्या तुम जानते हो सुषमा कहाँ है। ठीक है मोती मैं समझ गया तुम क्या बताना चाह रहे हो, लेकिन हम अकेले उस शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर वो दोनों भाग कर वापस गांव जाते हैं। अरे भाइयों, जब वो शैतान सुषमा को उठा कर ले जा रहा था तब मोती ने उसका पीछा किया था, अब ये जानता है कि सुषमा कहाँ है। कृपा करके मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर सुषमा को बचा सकते हैं। देखो भाई, हम तुम्हारे ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बेजुबान की वफादारी पर पूरा भरोसा है, हम जरूर चलेंगे, चलो अभी चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान खंजर लेकर सुषमा की ओर बढ़ रहा होता है। हे ऊपर वाले, अब बस तेरा ही आसरा है, हो सके तो किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। तभी उसे मोती के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। वह शैतान भी हैरान परेशान हो जाता है। अरे मर गए रे, ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, इनके हाथों में तो मशाल भी है, लगता है मुझे यहाँ से भागना ही होगा। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुन ली। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वह शैतान इतने सारे लोगों को हाथ में मशाल लिए हुए देखकर डर जाता है। फिर वह शैतान वहाँ से भाग जाता है और सुषमा भी आजाद हो जाती है। मोती तुम वापस आ गए मेरी जान बचाने के लिए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सुषमा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया,
एक बार फिर इस बेजुबान ने साबित कर दिया कि ये इंसान से भी ज्यादा वफादार है।